डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बीकॉम पार्ट वन अकाउंटिंग का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट किया जाएगा, क्या क्या बातें डिस्कस करूंगा। आइए मैं आपको बता दूं कि पहले तो मैं आपको इसमें हर टॉपिक का, यानी बीकॉम पार्ट वन में जो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक का मैं रिव्यू दूंगा और उनके की पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करूँगा। यानी पूरा टॉपिक का रिव्यू नहीं होगा, सिर्फ उनके की पॉइंट्स कि किस तरीके से आप उसे एग्जाम में चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या बातें ज़रूरी हैं। फिर पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है वो बताऊंगा, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है ये आपको जानना ज़रूरी है, पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए ये जानना ज़रूरी है, और वो मिस्टेक्स जो नॉर्मली आप लोग करते हैं पेपर के दौरान वो हाईलाइट करेंगे कि कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल रहेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है एडजस्टमेंट्स एंड वर्कशीट। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस करते हैं वो इसी टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे दो सवाल बन सकते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज और वर्कशीट का सवाल इससे बनता है। बिल्कुल सही है, और स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा टाइम इस पर लगाते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज बना ली, एडजस्टिंग एंट्रीज से आपने वर्कशीट बना ली, जब वर्कशीट बनाई तो पता चला वर्कशीट बनाने के बाद आपका आंसर टैली नहीं हो रहा। अब वर्कशीट को, आपको इस बात का भी अंदाज़ा हुआ कि वर्कशीट को बनाने में कम टाइम नहीं काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार होता है, तो क्या सर हमें ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए? मेरा मशवरा ये है कि देखिए होता क्या है कि जब आपने वर्कशीट को, सपोज़ कीजिए कि आपने एडजस्टिंग और वर्कशीट के सवाल को अटैम्प्ट करने में कोई तकरीबन 40 मिनट लगा दी, सपोज़ कीजिए 40 मिनट लगाने के बाद अगर आपका आंसर टैली नहीं होता तो आप दिमागी तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर आप उसे इक्वल करने के लिए 10-15 मिनट 20 मिनट और लगाते हैं, फिर भी आंसर टैली नहीं होता, आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक तो आपका टाइम ज़ाया हुआ, आपका क्वेश्चन नहीं हुआ, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आने वाले तमाम क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली डील नहीं कर पाते, यानी उतने अच्छे तरीके से उन्हें समझ नहीं कर पाते, उन्हें अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते जितना आप पहले कर पाते। तो मेरा मशवरा यह है कि सबसे पहले वर्कशीट को अटेम्प्ट ना करें। स्टूडेंट आमतौर पर यही गलती करते हैं कि पूरे साल सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस वो वर्कशीट की करते हैं, और एग्जाम में जाते ही पहला सवाल आमतौर पर वर्कशीट का आता है तो वो पहला सवाल ही वर्कशीट का अटेम्प्ट कर लेते हैं, और फिर आंसर टैली ना आने की वजह से डिसहार्ड हो जाते हैं, और फिर उसकी वजह से उनके बाकी सवाल भी गलत होने लगते हैं। तो मेरा मशवरा ये कि वो तमाम क्वेश्चन जिसमें आपको ये पता चलता है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, पहले उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना कीजिए। तो वर्कशीट को बेशक आपको बहुत अच्छी आती है, लेकिन मेरा मशवरा, ये ज़ाती मशवरा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा लगे, आप इसे लास्ट में अटैम्प्ट करें। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो आप इसे अटैम्प्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ जो आपको मुनासिब लगे वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको बहुत अच्छी वर्कशीट आती है और आपको लगता है नहीं सर मैं फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कीजिए ऐसे। दूसरा जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। बहुत ही आसान सा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आप इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, आपके टीचर्स ने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया होगा। मैं बस एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करूंगा, एक की पॉइंट है इसका जो कि आपको जहन में रखना है इस सवाल को अटैम्प्ट करने से पहले। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन के लिए आमतौर पर कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स यहाँ पर इस सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन के नहीं बल्कि तमाम सवालात से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट्स हैं कि वो बनते किस तरह से, उनके रूल्स क्या हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। साथ साथ जितने चैप्टर्स के मेरे पास वीडियो लेक्चर्स हैं उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन को सॉल्व करने के लिए ज़रा कुछ की पॉइंट मैं आपको बता दूं। सपोज कि एक सवाल में शो कर रहा हूँ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 10,000 रुपीज़, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस शो हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ डिसऑनर्ड चेक, अब आपको रूल मालूम होना चाहिए कि डिसऑनर्ड चेक हम क्या करते हैं, डिसऑनर्ड चेक हम लेस करते हैं कैश बुक में। तो आप पेंसिल से अपने एग्जामिनेशन पेपर में इसके आगे लिख दीजिए माइनस कैश बुक, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सपोज कीजिए अनक्लियर चेक, सर अनक्लियर चेक क्या करते हैं, ऐड करते हैं पासबुक में, तो आपने इसके आगे लिख दिया प्लस बैंक स्टेटमेंट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है चेक इशूड फॉर 30,000 बट ओनली 19,000 वर प्रेजेंटेड, यानी 30,000 में से 19,000 के चेक प्रेजेंट हुए, यानी 11,000 के चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। जो चेक प्रेजेंट नहीं हुए हम उन्हें कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, और अनप्रेजेंटेड चेक को आप लेस करते हैं बैंक स्टेटमेंट से, तो इसके आगे पेंसिल से लिख दीजिए माइनस बैंक स्टेटमेंट।
नेक्स्ट पॉइंट है लेट डिपॉजिटेड नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट. अगर लेट डिपॉजिट है और बैंक में शो नहीं हो रहा तो आप क्या करते हैं, आप इसे ऐड कर देते हैं बैंक स्टेटमेंट में. पेंसिल से लिख दीजिए इसके आगे. इसके बाद है एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक दैट अ कस्टमर हैड मेड डायरेक्ट डिपॉजिट इन टू बैंक. एक कस्टमर ने डायरेक्ट आपके बैंक में 18,000 डिपॉजिट करवा दें. क्या करते हैं, आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि डायरेक्ट डिपॉजिट आप ऐड कर देते हैं कैश बुक में. पेंसिल से इसके आगे भी मार्क कर दीजिए. इसके बाद है इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, यानी बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है. जब भी बैंक क्रेडिट का वर्ड इस्तेमाल करे इट मीन्स के बैंक ने आपके अकाउंट में कोई पैसे जो है वो ऐड किए. तो बैंक ने आपके अकाउंट में 2,500 रुपये इंटरेस्ट के पैसे ऐड किए हैं. आप क्या करेंगे, आप भी इसे अपनी कैश बुक में ऐड कर लेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है लॉकर चार्जेस डेबिट बाय बैंक. बैंक ने आपसे लॉकर चार्जेस लिए हैं, ले रहा है बैंक वाला, तो इसे आप अपनी कैश बुक से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे. 500 रुपीज़ आप अपनी कैश बुक से लेस कर देंगे. ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए. अब इन पॉइंट्स का करना क्या है, देखिए कैश बुक का जो बैलेंस था वो कितना था, 10,000. इसके बाद यहाँ पर है माइनस कैश बुक. कैश बुक से 10,000 माइनस करने, आपने अपने कैलकुलेटर पर लिखा माइनस 10,000, यानी कैलकुलेटर पर सारा काम कर रहे हैं. क्या करना है, जो सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस था 10,000 वो अपने कैलकुलेटर पर लिखा. यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस कैश बुक 10,000, अपने कैलकुलेटर पे लिखिए माइनस 10,000. फिर यहाँ लिखा हुआ है प्लस कैश बुक 18,000, यानी कैलकुलेटर पे प्लस कीजिए 18,000. फिर लिखा हुआ है प्लस कैश बुक 2,500, अपने कैलकुलेटर पे प्लस कीजिए 2,500. और फिर लिखा हुआ है माइनस कैश बुक 500, अपने कैलकुलेटर से माइनस कीजिए 500. और इज इक्वल टू दबाइए, आपके कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 20,000. इस 20,000 को अपने एग्जामिनेशन पेपर पर ही कहीं लिख दीजिए, 20,000 आपने लिख दिया. ठीक, इसके बाद यही काम बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कीजिए. बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस शो, जब बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस शो करे इसका मतलब कि ये बैलेंस जो है वो नेगेटिव है, यानी माइनस में. तो आप यहां पर लिखिए अपने कैलकुलेटर पे माइनस 17,000, नॉट 17,000 बट माइनस 17,000, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस है. इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है प्लस बैंक स्टेटमेंट, यानी अब बैंक स्टेटमेंट वाली चीजों को इसमें आप शामिल करेंगे. प्लस बैंक स्टेटमेंट, इसमें प्लस कर दीजिए 16,000, अपने कैलकुलेटर पर ही काम कीजिए. फिर लिखा हुआ है माइनस बैंक स्टेटमेंट 11,000, मैंने आपको बताया था, तो अपनी बैंक स्टेटमेंट से यानी इसी में से माइनस कर दीजिए 11,000. और फिर लिखा हुआ है प्लस बैंक स्टेटमेंट 32,000, अपने कैलकुलेटर पर ही प्लस कर दीजिए 32,000. और इज इक्वल टू दबाइए तो आंसर आ जाएगा 20,000. और कैश बुक का आंसर कितना था, 20,000. बैंक स्टेटमेंट का आंसर भी कितना है, 20,000. अच्छा, ये काम इसको समझाने में मुझे टाइम लगा, लेकिन जब आप इसे जल्दी से अपने एग्जामिनेशन पेपर में जल्दी जल्दी इसे करेंगे तो जल्दी जल्दी आपने फटाफट लिख लिया और फटाफट जल्दी से आप ये कैलकुलेशन भी कर लेंगे. जैसे ही कैलकुलेशन करने के बाद आपको लगे हाँ अल्लाह का शुक्र है दोनों आंसर मेरे टैली हो गए, जैसे ही दोनों आंसर टैली हो जाए आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लीजिए. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये सब करने के बाद भी आपका आंसर टैली नहीं होता तो इस क्वेश्चन पे अगला मिनट ज़ाया मत कीजिएगा. ये मेरी सजेशन है कि अगला मिनट इस पर ज़ाया मत कीजिएगा. हाँ, जब चार सवाल पांच आपके तीन चार सवाल हो जाए और आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे फिर वापस इस पर आ जाइएगा और फिर इसको रिकनसाइल करने की कोशिश कीजिएगा. कोशिश कीजिएगा आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं. लेकिन अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में इसे अटैम्प्ट किया, मतलब कैलकुलेटर पर ही, और आंसर टैली नहीं होता तो अगला मिनट इस पर ज़ाया मत कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए. क्योंकि इस पर आप जैसे इसे बराबर करने के लिए आप इस पर टाइम ज़ाया करेंगे तो आपका टाइम ज़ाया होगा, अगेन वही बात कि आप डिसहार्ट हो जाएंगे. ठीक, तो ये बैंक रिकंसिलेशन के हवाले से कुछ टिप्स थी. नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप रिटायरमेंट. पार्टनरशिप रिटायरमेंट के लिए लेक्चर्स मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा. अब पार्टनरशिप रिटायरमेंट में स्टूडेंट को जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है वो मेथड्स की आइडेंटिफिकेशन. सर मेथड कैसे पहचानते हैं इसमें, भाई मेथड की आइडेंटिफिकेशन इसमें कुछ ऐसी है कि अगर लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू अदर पार्टनर तो ये होता है क्या, सेल ऑफ इंटरेस्ट मेथड, यानी जाने वाला पार्टनर अपना हिस्सा जो है वो किसी दूसरे पार्टनर को बेचकर जा रहा है. इसकी पहचान ये होती है कि सवाल में कुछ ऐसा जिक्र होता है कि जाने वाले पार्टनर ने अपना हिस्सा सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर का या सेल का या इस तरह का कुछ जिक्र होता है. तो ये आइडेंटिफिकेशन किसकी होती है, सेल ऑफ इंटरेस्ट मेथड की आइडेंटिफिकेशन होती है. दूसरा मेथड होता है इसमें पार्टनरशिप जो है वो जाने वाले पार्टनर को उसके कैपिटल के बराबर पेमेंट कर देती है, यानी पेड इक्वल टू कैपिटल. यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई मेथड यूज नहीं करना, जस्ट आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है. जैसे जाने वाले पार्टनर का कैपिटल है 1,00,000 रुपये, पार्टनरशिप भी उसे पे कर रही है 1,00,000 रुपये. 1,00,000 रुपये कैपिटल था, 1,00,000 रुपये पे किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं. 1,00,000 रुपये से कैपिटल को डेबिट करेंगे और 1,00,000 रुपये से कैश को क्रेडिट करेंगे, सिंपल एंट्री. प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, पार्टनरशिप पेड लेस देन कैपिटल, यानी जो जाने वाला पार्टनर है पार्टनरशिप उसे उसके अमाउंट से कम पैसा अदा करती है. अगर कम पैसा अदा किया जा रहा है जाने वाले पार्टनर को तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ बोनस मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, कोई और मेथड यूज नहीं होगा.
इसके अलावा अगर जाने वाले पार्टनर को ज्यादा पैसे अदा किए जाए, पार्टनरशिप पेड मोर देन कैपिटल, अगर जाने वाले पार्टनर को उसके कैपिटल से ज्यादा पैसा अदा कर दिया जाए, तो वहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि हम वहां पर बोनस मेथड भी यूज कर सकते हैं और हम वहां पर गुडविल मेथड भी यूज कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि आपको बोनस मेथड यूज करना है, ये गुडविल मेथड, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बोनस मेथड इस्तेमाल कीजिए या गुडविल मेथड इस्तेमाल कीजिए। तो ये पार्टनरशिप रिटायरमेंट के हवाले से कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें जहन में रखिएगा। अब मैं आता हूं पार्टनरशिप एडमिशन पर। इसमें भी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही है कि आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती सर कि कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाए। तो आइडेंटिफिकेशन कुछ ऐसी है कि जब आने वाला पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर का हिस्सा खरीदता है, परचेज पार्टनर जो है वो परचेज कर रहा है इंटरेस्ट ऑफ अदर पार्टनर, इसकी पहचान ये है कि आपके सवाल में जो केस होगा उस केस में परचेज या बाय का वर्ड लिखा हुआ होगा, तो आइडेंटिफिकेशन होगी परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड की। ठीक है, इसमें सिंपल एंट्री बनती है कि जिस पार्टनर का हिस्सा परचेज किया जा रहा है यानी पुराने पार्टनर का, उसका कैपिटल आप डेबिट कर देते हैं और आने वाले पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं उसी अमाउंट से जिस अमाउंट से वो खरीद रहा है। अच्छा, ये जहन में रखना है कि इसके बदले आने वाला पार्टनर जो भी पर्सनली कैश या कुछ भी पे करेगा उसे पार्टनरशिप में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद है अगर सवाल में केस में कुछ ऐसा जुमला लिखा हुआ है कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, यानी इस पे आप फोकस रखिएगा। सर इतना बड़ा जुमला याद कैसे रखेंगे, छोड़ दीजिए, फोकस रखिएगा इंक्रीज्ड पर। अगर सेंटेंस में इंक्रीज्ड बाय का वर्ड मौजूद है तो ये आइडेंटिफिकेशन होगी बोनस मेथड की। अब बोनस मेथड की कैलकुलेशन कैसे होगी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वीडियोस लेक्चर आपके पास मौजूद है, देख सकते हैं आप उन्हें। अगर सवाल में लिखा हो कि ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल्स, यानी पुराने पार्टनर्स अपना कैपिटल कम या चेंज करने को तैयार नहीं है, तो ये आइडेंटिफिकेशन होगी गुडविल टू न्यू पार्टनर की, ये मेथड का नाम है गुडविल टू न्यू पार्टनर। और अगर जुमला कुछ ऐसा लिखा हो कि कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड विद द इंटायर अमाउंट ऑफ हिज या हर इन्वेस्टमेंट, सर इतना बड़ा जुमला, बस क्रेडिट पे फोकस कर दीजिए, अगर क्रेडिट का वर्ड है तो इसका मतलब ये होगा कि गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी गुडविल जाएगी इसमें ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, इसके बाद अगर सवाल में सफिशियंट कैश का जिक्र आ गया है, कहीं पर भी सफिशियंट कैश लिखा हुआ है, तो ये कौन सा मेथड होगा, ये सफिशियंट कैश मेथड कहलाएगा। और अगर आपके सवाल में टोटल कैपिटल दिया हुआ है यानी लिखा हुआ है कि अली इज एडमिटेड फॉर 1/3 इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टेड 2 लाख, द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शैल बी ₹6 लाख, टोटल कैपिटल बता दिया गया कितना 6 लाख, तो अगर टोटल कैपिटल क्वेश्चन में मौजूद है तो वहां पर आप यूज करेंगे मिक्स मैथड। तो ये कुछ टिप्स थी किसके हवाले से, पार्टनरशिप एडमिशन के हवाले से। अब बात करता हूं मैं आपसे डेपिसिशन की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लाजमी आएगा। ठीक है, लाजमी डेपिसिशन का सवाल आएगा, पार्टनरशिप का कोई सवाल आ सकता है कोई सवाल नहीं आ सकता, लेकिन डेपिसिशन ऐसा सवाल है जो लाजमी आएगा। डेप्रिसिएशन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है भाई, स्टेप्स याद रखिएगा। सबसे पहले आपको सवाल में मशीन की कॉस्ट मालूम करनी है, अगर मशीन की कॉस्ट दी हुई है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दी हुई तो सबसे पहले आप मशीन की कॉस्ट मालूम करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट हो, मशीन हो, इक्विपमेंट हो, बिल्डिंग हो, अगर उसकी कॉस्ट पहले से गिवन है तो इस स्टेप की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कॉस्ट नहीं दी हुई, सर कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि आपके सवाल में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सेल्स टैक्स, इंस्टॉलेशन चार्जेस, फ्रेट इन, इनमें से कोई भी खर्चा अगर मौजूद है तो इसका मतलब आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और अगर इनमें से कोई भी जिक्र नहीं है तो इसका मतलब कि आपको कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करनी, आपको डायरेक्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। तो पहला स्टेप एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद आपका दूसरा स्टेप ये होगा कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए। अगर डेप्रिसिएशन पहले से किसी एसेट का मौजूद है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी जिस डेट की बात की जा रही है, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन मौजूद नहीं है तो आप सेकेंड स्टेप में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 5 मेथड्स हमें बताए गए, स्ट्रेट लाइन, यूनिट प्रोडक्शन, वर्किंग आवर्स, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। अब यहां पर जो जरूरी बात है वो ये कि स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि मशीन कितने मंथ्स चली है पहले साल और आखिरी साल। अगर 6 महीने चलिए तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 9 महीने चलिए तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। जबकि यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड और वर्किंग आवर्स मेथड में आपको मंथ्स को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं कि या तो स्ट्रेट लाइन में भी मंथ्स को इग्नोर कर देते हैं या फिर यूनिट प्रोडक्शन और वर्किंग आवर्स में भी मंथ्स को कंसिडर कर लेते हैं। तो 3 मेथड्स में मंथ्स कंसिडर किए जाएंगे, स्ट्रेट लाइन,
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। जबकि दो मेथड्स में मंथ्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे, वो है यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड और वर्किंग आवर्स मेथड। जब आप डेप्रिसिएशन निकाल चुके हों, फिर आप ये चेक करेंगे कि क्या हमें रिवाइज डेप्रिसिएशन की ज़रूरत है। रिवाइज डेप्रिसिएशन कब निकालते हैं? उस वक्त निकालते हैं जब आप अपने एसेट की या तो लाइफ चेंज कर दें, यानी 10 साल के बजाय 8 साल कर दें, कुछ अर्से यूज़ करने के बाद की बात हो रही है, या फिर आप अपने एसेट की सेल्वेज वैल्यू चेंज कर दें, या आप अपने एसेट पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर कर दें, या आप डेप्रिसिएशन का मेथड ही चेंज कर दें। यानी पहले स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन निकाले थे, अब डिमिनिशिंग से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो अगर इन चारों में से कोई भी एक काम भी अगर हुआ है, तो फिर आप उसी एसेट पर दोबारा से डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यानी कि पहले आपने एसेट की कॉस्ट निकाली, फिर डेप्रिसिएशन निकाला, अगर दोबारा डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत पेश आई तो दोबारा डेप्रिसिएशन निकाला, और फिर इसके बाद अगर सवाल में आपने एसेट को सेल किया है, एक्सचेंज किया है, या डिस्कार्ड का मतलब है किसी को फ्री में दे दिया या फेंक दिया, यानी डिस्पोज अगर किया है, तो फिर डिस्पोजल की कैलकुलेशन की जाएगी। ये चार स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। अगर इनमें से कोई स्टेप नहीं करना, यानी जिसकी नीड नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल सवाल में डिस्पोजल नहीं है, तो इस स्टेप को छोड़ दीजिएगा। अगर सवाल में रिवाइज डेप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसे छोड़ दीजिएगा। जिस स्टेप की नीड नहीं है, उसे छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। डेप्रिसिएशन में जो आपको सबसे ज़रूरी बात का ख्याल रखना है, वो है डेट्स, कि किस डेट पे, किस महीने में आपने एसेट परचेज किया, किस डेट तक डेप्रिसिएशन निकालना है, किस डेट पर आपने एसेट को सेल किया है, किस मंथ में आपने एसेट को सेल किया है, बस वहीं तक की कैलकुलेशन आपको इसमें परफॉर्म करनी है। तो ये डेप्रिसिएशन के हवाले से कुछ की पॉइंट्स, इसके जो कुछ लेक्चर्स हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवल एक बहुत ही भयानक तरीन टॉपिक स्टूडेंट्स को लगता है ये, कि सर वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवल, इसमें भी कुछ आपको स्टेप्स याद रखने हैं। क्या स्टेप्स होंगे इसके हवाले से, वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो इसको टाटा कर दीजिए और वीडियो को आगे करके देख लीजिएगा। वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवल के लिए हमारे पास बैड डेट्स, एक्चुअली हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, और बैड डेट्स कैलकुलेट करने के बुनियादी तौर पर दो मेथड्स हैं, यानी दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच कहलाती है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। इसमें बैड डेट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब इस टीचर ने आपको इसे किसी और अंदाज से पढ़ाएगा, भाई मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके टीचर ने आपको किसी और अंदाज से पढ़ाया है, तो इस मेथड पे फोकस मत कीजिएगा, वरना आप पागल हो जाएंगे। जिस तरीके से टीचर ने पढ़ाया, उस तरीके को फॉलो कीजिए, हो सकता है कि आपको वही तरीका ज़्यादा बेहतर लगे। तो बैड डेट्स कैलकुलेट करने का तरीकेकार यह है, जो भी आपकी क्रेडिट सेल होगी, उसमें से सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए, और सवाल में जो रेट दिया हुआ होगा परसेंटेज, यानी 4% ऑफ नेट सेल्स, तो 4% से इसको क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, बैड डेट्स एक्सपेंस आएगा। उसी एक्सपेंस से आप एंट्री बनाएंगे और वही आपका काम तमाम हो जाएगा। ये किसकी बात होगी, ये बात होगी इनकम स्टेटमेंट अप्रोच की। सर कैसे पहचानेंगे इनकम स्टेटमेंट अप्रोच? इनकम स्टेटमेंट अप्रोच की पहचान ये है कि आपके सवाल में वर्ड लिखा हुआ होगा कुछ ऐसे कि 4% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स, यानी जो इसमें बैड डेट्स आप अप्लाई करेंगे वो सेल्स पर अप्लाई करेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन होगी इनकम स्टेटमेंट अप्रोच की। अब बात करता हूं मैं आपसे बैलेंस शीट अप्रोच की। बैलेंस शीट अप्रोच की आइडेंटिफिकेशन ये होगी कि आपके सवाल में कुछ ऐसे लिखा जाएगा कि 4% ऑफ अकाउंट रिसिवेबल एंडिंग, यानी इसमें बैड डेट्स जो है वो आप सेल पे कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि अकाउंट रिसिवेबल पे कैलकुलेट करेंगे। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि बैड डेट्स एक्सपेंस इज इक्वल टू अकाउंट रिसिवेबल एंडिंग, जो भी आपके पास अकाउंट रिसिवेबल एंडिंग होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, एक परसेंटेज आपको सवाल में दिया जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स बिगिनिंग, जो भी आंसर आएगा उसमें ऐड करेंगे आप प्लस करेंगे राइट ऑफ, और फिर जो भी आंसर आएगा आप उसमें से माइनस कर देंगे रिकवरी, यानी जो पैसा आपने रिकवर किया होगा रिकवरी को आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका बैड डेट्स एक्सपेंस। आपके टीचर ने आपको दूसरे अंदाज से कराया होगा, क्योंकि यह तरीका कोई फॉलो नहीं करता है, आपके टीचर ने आपको दूसरे अंदाज से कराया होगा, बेशक आप उस तरीके को फॉलो कीजिए, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक। अच्छा, तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, वो कहलाता है हमारे पास एजिंग मेथड। ये आपके टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया होगा, ये आप वहां से देखकर डेट वाइज इस पे काम करते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स पर आते हैं, ग्रुप्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अच्छा, बैड डेट्स के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे? हमें स्टेप्स ये फॉलो करने हैं कि आप सबसे पहले तो अपने सवाल में
जो डाटा दिया गया उससे आप जनरल जनरल एंट्रीज बना लीजिए। अगर सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो रफली जल्दी जल्दी से कहीं पर शॉर्ट फॉर्म में सही और बिना कॉलम बनाए ही सही जर्नल एंट्रीज़ बना लीजिए। इससे आपको बहुत आसानी होगी, यकीन कीजिए। जर्नल एंट्रीज़ आप रफली ड्रॉ कर लीजिए, सेल की है सेल की एंट्री बना लीजिए, कैश कलेक्शन हुई है कैश कलेक्शन की एंट्री बना लीजिए, राइट ऑफ किया है राइट ऑफ की एंट्री बना लीजिए, रिकवरी की है रिकवरी की एंट्री बना लीजिए, जो कुछ भी किया है सबकी रफली एंट्रीज रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद अगला स्टेप आपका ये होगा कि आप अकाउंट रिसिवेबल का और अलाउंस फॉर बैडर्स का टी अकाउंट बना लीजिए। अगले स्टेप में आपको ये काम करना है कि आप अकाउंट रिसिवेबल का और अलाउंस फॉर बैडर्स का टी अकाउंट बना लीजिए। तीसरे स्टेप में आप अपने बैडर्स की कैलकुलेशन करेंगे। अगर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है तो इसके लिहाज से कैलकुलेशन करेंगे, और अगर बैलेंस शीट अप्रोच है तो इस लिहाज से कैलकुलेशन करेंगे और बैडर्स की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। और आखिरी स्टेप में अगर उन्होंने आपसे पार्शल बैलेंस शीट मांगी है तो बैलेंस शीट बना दीजिएगा इफ़ रिक्वायर्ड, और अगर नहीं मांगी तो नहीं बनाइएगा। लेकिन ये तीन स्टेप्स आपको आपके लिए बस समझ लीजिए कि ज़रूरी है। इसके बगैर आप बैडर्स की ना कैलकुलेशन कर सकते हैं और ना उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आपकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपको बैडर्स की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए बैडर्स की कैलकुलेशन चाहिए, कैलकुलेशन के लिए आपको अकाउंट रिसिवेबल का टी अकाउंट चाहिए, और टी अकाउंट के लिए आपको जर्नल एंट्रीज चाहिए। तो ये पूरी एक साइकिल है कि पहले एंट्रीज, फिर टी अकाउंट, फिर बैलेंस की कैलकुलेशन, और फिर आखिर में अगर बैलेंस शीट मांगी है तो बैलेंस शीट। तो ये रिसीवेबल के टॉपिक के बारे में कुछ की पॉइंट्स थे, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद बारी है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। बहुत ही आसान टॉपिक है, आज तक मुझे किसी स्टूडेंट ने नहीं कहा कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, इतना आसान टॉपिक है। मतलब स्टूडेंट को ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आता और वाकई इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए आपको जहन में रखना है कि दो बुनियादी तौर पर सिस्टम है, परपीचुअल सिस्टम। परपीचुअल सिस्टम के अंदर तीन मेथड्स हैं, फीफो मेथड, लीफो मेथड और मूविंग एवरेज मेथड। इसी तरीके से पीरियोडिक सिस्टम है, पीरियोडिक सिस्टम के अंदर भी यही तीन मेथड्स हैं, फीफो मेथड, लीफो मेथड और मूविंग एवरेज की जगह पर वेटेड एवरेज मेथड। है वही एवरेज मेथड, बस नाम थोड़ा सा बदल गया। इसके अलावा एक और मेथड है ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, और एक और मेथड है रिटेल प्राइस मेथड। ये सवाल बहुत ही आसान होता है, आई होप कि आप इसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने इसे बहुत अच्छा पढ़ा हुआ। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको ये सवाल कितना अच्छा आता है। तो ये इसके इस सवाल में कुछ यही चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स जो है वो आप जब इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो अलग अलग तरीके के इसमें स्टेप्स होते हैं कि अगर परपीचुअल सिस्टम है तो पहले इसमें इन्वेंट्री कार्ड बनाया जाएगा, और अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो पहले एक शेड्यूल बनाया जाता है। परपीचुअल और पीरियोडिक सिस्टम में डिफरेंस रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि हम एग्जाम में पहले कौन सा सवाल अटैम्प्ट करें। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछते हैं कि सर पहले कौन सा सवाल अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होना चाहिए, 2 क्या होना चाहिए, 3 क्या होना चाहिए, 4 क्या होना चाहिए, और 5 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए। देखिए भाई, जो सवाल आपको बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा, सबसे पहले वही सवाल अटैम्प्ट कीजिए। बेशक वो सवाल लेंथी हो, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे पहले वही सवाल अटैम्प्ट कीजिए। इससे होता ये कि जब आप कोई ऐसा सवाल करते हैं जो कि आपको बहुत अच्छा आता है और जब आप उसे कर लेते हैं तो आप इंटरनली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैंने सवाल कर लिया और सवाल बिल्कुल सही किया। सही करने के बाद जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है तो आप खुशी खुशी दूसरा सवाल भी अटैम्प्ट कर सकते हैं बिना मिस्टेक किए। लेकिन अगर आपने पहले ही कोई ऐसा दुखी सवाल सा उठा लिया जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है और आपने बस उठा लिया है चलो कर लेते हैं और फंस गए उसमें, तो आप डिसार्ड हो जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि वर्कशीट का क्वेश्चन उठा लेते हैं आप लोग आमतौर पर, और आंसर टैली ना होने की वजह से परेशानी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाकी सवालात में भी गड़बड़ हो जाती है। तो आमतौर पर मेरी सजेशन ये होती है कि पहले बैंक रिकंसिलेशन को ट्राई कीजिए, बहुत छोटा सा और आसान सा सवाल होता है, फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन को ट्राई कीजिए, वो भी छोटा और आसान सा सवाल होता है, उसके बाद जो आपको मुनासिब लगे आप वो सवाल ट्राई कीजिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस फॉलो करें। अगर आपका बैंक रिकंसिलेशन का आंसर टैली नहीं हुआ छोड़ दीजिए, अगर आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन बहुत अच्छा नहीं आता, आपने आखिर में पढ़ा और ऑनलाइन में पढ़ा बिल्कुल बेकार समझ में आया, तो छोड़ दीजिए, दूसरे टॉपिक पर आ जाइए। जो बहुत अच्छा आता है उसी टॉपिक को सबसे पहले अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। अच्छा भाई, अब कुछ टिप्स हैं पेपर के लिए हवाले से कि पेपर में आपको क्या चार बातें जहन में रखनी। नंबर 1, कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर हो तो क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड कीजिए। स्टूडेंट केयरफुली क्वेश्चन पेपर को रीड नहीं करते, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्वेश्चन नंबर 2 बैंक रिकंसिलेशन, आहा आता है, चलो भाई टिक करो और स्टार्ट कर दो। और जब पेपर की रिक्वायरमेंट पढ़ने आता है सॉल्व करने के बाद, ओहो सर ये क्या भयानक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है इसमें, ये तो हमारे टीचर ने कभी हमें पढ़ा ही नहीं, ये कभी पास पेपर में ये आई नहीं, सर क्या करेंगे अब, स्टार्ट करने के बाद ख्याल आ रहा है। तो पहले तमाम क्वेश्चंस को
बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है उन्हें भी बराए मेहरबानी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, ठीक है? पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि जब आपने पढ़ लिया कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, 10 मिनट भले आपको क्वेश्चन पढ़ने में लग जाए, लगा दीजिए, उसके बाद हाईलाइट कर लीजिए कि अब कौन कौन से 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और प्रायोरिटी के साथ कि पहले ये करना है, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ये करना है, नंबर 3 पे ये करना है, नंबर 4 पे ये करना है, नंबर 5 पे ये करना है, ठीक है? क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद थर्ड स्टेप ये होगा कि अपना पेपर कोशिश कीजिए कि 2 घंटे 40 मिनट में अटेम्प्ट कर लीजिए। सर एक क्वेश्चन को कितना टाइम दें? मैं नहीं कहता कि भाई एक क्वेश्चन को बराबर टाइम दें, नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि एक क्वेश्चन, जैसे बैंक रिकंसिलेशन की मैं बात करूं, बैंक रिकंसिलेशन आमतौर पर कम वक्त में हो जाता है, 15 से 20 मिनट में, जबकि वर्कशीट का क्वेश्चन 40 मिनट भी ले सकता है। तो मैं ये नहीं कहता कि हर क्वेश्चन को 25-25 मिनट या 30-30 मिनट दें, नहीं, डिपेंड करता है क्वेश्चन की लेंथ के ऊपर, या आप बेशक बेहतर समझते हैं कि आपको किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, लेकिन आपका पूरा पेपर कोशिश कीजिए कि 2 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको आखिर में 20 मिनट मिल सके आप पेपर को रिवाइज करें, इसमें जो गलती है उसे चेक कर सकें। और आखिर स्टेप यही, चेक योर ऑल क्वेश्चंस आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर विद इन रिमेनिंग 20 मिनट्स, के जो 20 मिनट बचे उसमें पेपर को रीड कीजिए, जो मिस्टेक्स उसमें रह जाती हैं आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। ये तो पेपर स्टार्ट करने से पहले की बात, अब जरा पेपर के दौरान की बात कि आपको किन बातों का ख्याल करना है। नंबर 1, टेक केयर ऑफ फॉर्मेटिंग ऑफ योर आंसर। स्टूडेंट जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो अपनी फॉर्मेटिंग का ख्याल नहीं रखते। सर ये फॉर्मेटिंग क्या होती है? भाई देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन यानी CA, IC, ICMA, ACCA, ये बिल्कुल बॉयज़ वाली एजुकेशन है, बॉयज़ क्या भी मैं आपको समझाता हूँ, जबकि जो बीकॉम वाली एजुकेशन है ये खवातीन वाली एजुकेशन। ये खवातीन वाली क्या है सर? देखिए आमतौर पर होता ही है कि जब कोई डिश तैयार किया, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टर्ड तैयार किया या कोई भी आपने डेजर्ट तैयार किया, खवातीन की आदत क्या होती है? अच्छा, इसके ऊपर वो नहीं डाला तुमने, टॉपिंग नहीं की, कितना बुरा लगेगा, अरे कस्टर्ड कैसा लगेगा, ये खवातीन की आदत है। यानी ख्याल रख रही है फॉर्मेटिंग का, बेशक अच्छी आदत है। बॉयज़ कहते हैं कस्टर्ड दे दो यार, जैसा भी है दे दो। तो ICMA वाले और CA वाले और ACC वाले भी ये कहते हैं भाई पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखा दो, कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दो, आपको कॉन्सेप्ट पता है या नहीं। बीकॉम वाले कहते हैं, खवातीन वाले कहते हैं कि बेटा पेपर में फॉर्मेटिंग बनाकर दिखाओ कि जर्नल जर्नल के कॉलम्स कैसे बनाते हैं। ले भाई, जर्नल जर्नल के कॉलम्स तो पढ़ा ही नहीं सर हमने, क्योंकि ICMA वाले ACC वाले तो कॉलम्स ड्रॉ ही नहीं करते, वो तो डायरेक्ट काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग का ख्याल रखना है कि किस सवाल में क्या फॉर्मेटिंग होती है, उसका ख्याल रखना है। बीकॉम वाले इस चीज़ को बड़ा कंसिडर करते हैं। दूसरा इस बात का ख्याल रखना है कि भाई जहाँ डबल लाइन यूज़ होनी है, जैसे मैंने फॉर्मेटिंग के बारे में कहा, तो जहाँ डबल लाइन यूज़ होनी है वहाँ डबल लाइन यूज़ कीजिए, जहाँ नहीं यूज़ होनी वहाँ मत यूज़ कीजिए। इसके बाद प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन प्रॉपर फॉर्म, कॉलम्स, हेडिंग, नरेशन। जब आप जर्नल एंट्री बनाएं तो बराए मेहरबानी, सिर्फ आमतौर पर क्या होता है कि आप जर्नल एंट्री लिख देते हैं बहुत जल्दी में होते हैं, स्पेशली बॉयज़ हज़रा, कॉलम्स ड्रॉ नहीं करते, अगर ड्रॉ कर दी तो उसके ऊपर हेडिंग नहीं डालते, और अगर कॉलम ड्रॉ किए तो उसमें PR का कॉलम भूल जाते हैं। सर PR में तो कुछ लिखते ही नहीं है, क्या फ़ायदा ड्रॉ करने का? अरे बेटा ज़रूरी है, आपका एग्जामिनर मांगता है। इसके अलावा सर नरेशन छोड़े, नरेशन का क्या करना है? नरेशन के नंबर होते हैं भाई, आपका एग्जामिनर नरेशन के नंबर देता है। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों का खास ख्याल रखना है। और क्या ख्याल रखना है सर? डू नॉट लीव एनी पार्ट टू अटेम्प्ट लेटर। यानी क्वेश्चन का कोई पार्ट आपने सोचा कि सर इसे मैं बाद में आके अटेम्प्ट कर लूंगा, अब बाद में ये होता है कि वक्त खत्म हो जाता है या खत्म होने लगता है और आपको याद नहीं रहता कि मैंने कोई सवाल का कोई पार्ट छोड़ा था, या होता ये कि आपने सोचा कि मैं हेडिंग बाद में नीले कलर के मार्कर से डालूंगी और उसकी जगह अभी छोड़ देती हूँ, पहले पेपर कर लेती हूँ और हेडिंग बाद में डालूंगी, इसके नीचे लाइनिंग बाद में करूंगी, नक्शो निगारी बाद में करूंगी। तो जो नक्शो निगारी करनी है उसी वक्त कर लीजिए भाई, बाद में अगर आप भूल गए, हेडिंग डालना भूल गए, तो जो कंप्यूटेशन आपने की है एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगी कि आपने क्या कंप्यूटेशन की है। तो जो हेडिंग डालनी है, जो काम करना है आपको, ऑन द स्पॉट कीजिए, बाद के चक्कर में मत रहिएगा, उसी वक्त जो काम करना है कर लीजिएगा, ठीक है? और आखिरी पॉइंट है मैनेज टाइम, वक्त का जरूर ख्याल कीजिए। आप आकर एक बात बोलते हैं कि सर पेपर बहुत लेंदी था, मुझे पूरा पेपर आता था लेकिन बहुत लेंदी था, वक्त पर मैं नहीं कर सका, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपका जो एग्जामिनर पेपर बनाता है वो टाइम के हिसाब से बनाता है, बस आप थोड़ा सा उसको मैनेज नहीं कर पाते, अगर मैनेज करें तो वक्त पर पेपर मुकम्मल हो सकता है, ठीक है? अच्छा भाई, आखिरी बात, बी कॉन्फिडेंट। आपका आंसर आ गया वर्कशीट का फॉर एग्जांपल, या बैंक रिकंसिलेशन का, या किसी भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन का आंसर आ गया, डेप्रिसिएशन का आंसर आ गया,
आगे वाली कॉपी देखी, हाँ उसका आंसर तो कुछ और है, मेरा आंसर कुछ और है। ले भाई आपने बिल्कुल सही किया हो, लेकिन उसका आंसर देखकर आप परेशान हो गए। ले भाई आप परेशान है कि सर मेरा आंसर गलत तो नहीं है, फिर दोबारा कोशिश कर रहे। पीछे वाले का देखा, हैं सर पीछे वाले का तो बिल्कुल ही अलग है, अब क्या करूं सर किसका आंसर सही है, तीन आंसर हो गए। तो जो आपने आंसर कैलकुलेट किया है अपने टीचर पर, उनके पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट्स पर और अपने आंसर पर, अपने आप पर भरोसा रखिए कि आपने जो किया है भाई वो सही किया है। और अगर नहीं भी किया तब भी भरोसा रखिए, वरना जितना इधर उधर देखेंगे उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। ठीक है जी, बस मेरे दिमाग में जितने पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी आपके टीचर ने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, बहुत सारी बातें उन्होंने आपको बताई होंगी, तो उन बातों को भी जहन में रखिएगा। कोई बात अगर मैं भूल रहा हूँ तो वक्त के साथ साथ वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे अगली किसी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।